Assalamu alaikum. Today we will study the remaining topic of energy of the chapter photosynthesis. Plants are the source of food for many of us. We eat vegetables, fruits, and grains as food. Do you know from where we get these things? Yes, from plants. Like us, many of the animals, including birds and insects, also eat plants as shown here. That's why it's written here in your book, plant biomass keeps every animal alive, including us. But now the question is, from where plants take energy? Yes, exactly, from the sunlight. So the process of getting food is, plants are the main source of energy for many of us. And plants take energy from the sun in the form of sunlight. We studied in the previous lecture that the more they get energy from sun, the more they photosynthesize. And the more they photosynthesize, the more their biomass increases. So then they feed many of us to get food and take energy. That's why your book says plants are called producer, because they produce food for us. And those who eat plants are called consumer. It's written here in your book, it means plant biomass supplies the energy and building materials that herbivores use for growth. What are herbivores? Living things who eat plants are called herbivores. अब इसी वीडियो को उर्दू में देखते हैं। आज हम चैप्टर फोटोसिंथेसिस के टॉपिक एनर्जी के बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। पौधे हम सब के लिए फूड यानी खुराक का जरिया हैं। हम सब्जियां, फल और दालें खुराक
के तौर पर खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम ये चीजें कहाँ से हासिल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, पौधों से। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि हमारी तरह बहुत से जानवर, जिनमें परिंदे और कीड़े भी शामिल हैं, पौधों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि प्लांट बायोमास हमें और जानवरों को जिंदा रखता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पौधे कहाँ से एनर्जी यानी तवानाई हासिल करते हैं? जी हाँ, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से। तो खुराक हासिल करने का प्रोसेस यानी निजाम ये है कि पौधे हम सब की खुराक का अहम जरिया हैं और पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी यानी तवानाई हासिल करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पौधे जितनी ज्यादा सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, उतना ज्यादा उनका बायोमास बढ़ जाता है। इस बायोमास से वो हम सबको खुराक देने के काबिल होते हैं, ताकि हम इससे खाना खाकर एनर्जी यानी तवानाई हासिल कर सकें। इसी वजह से आपकी किताब कहती है कि पौधे प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि वो हम सब के लिए खाने का जरिया हैं, और तमाम जानदार जो इन पौधों के जरिए खुराक हासिल करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। आपकी किताब में लिखा है कि प्लांट बायोमास हर्बीवोरस को एनर्जी और एनर्जी हासिल करने के तमाम जराए मुहैया करते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ यानी नशोनुमा हो सके। हर्बीवोरस क्या है? पौधे खाने वाले जानदार हर्बीवोरस कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।